शहद में सेहत का खजाना होता है। इसके सेवन से कई तरह की प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। आयुर्वेद में भी इसके इम्पोर्टेंस को बताया गया है। शहद के सेवन से पूरे बॉडी को फायदा मिलता है। मधुमक्खी के छत्ते से निकाला गया ताजा शहद वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वही पुराना शहद फैट को काटने का भी काम करता है। इससे कफ की प्रॉब्लम भी दूर होती है। कुछ लोग किसी भी तरीके से शहद का सेवन करते हैं जो हानिकारक हो सकता है, तो ऐसे में आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कि शहद को किस तरह से यूज करना चाहिए। आयुर्वेद में शहद को योगवाही भी कहा जाता है, जो सबसे डीप टिश्यूज में एंटर कर सकता है। इसमें कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं जो बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आयुर्वेदिक ऋषि चरक ने 5000 साल पहले ही शहद के गुणों के बारे में बता दिया था। इसके यूज पर उन्होंने एक्सपेंशन से लिखा है, शहद को कई मायनों में सेहत के लिए अमृत की तरह माना गया है। शहद को कभी भी गर्म भोजन या पानी में मिलाकर सेवन नहीं करना चाहिए। हॉट क्लाइमेट में काम करने वालों को शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। कभी भी शहद को घी के साथ या गर्म मसालेदार भोजन के साथ मिलाने से बचना चाहिए। विस्की, रम, ब्रांडी और सरसों के साथ कभी भी शहद मिलाकर नहीं खाना चाहिए। शहद को गर्म पानी में मिलाकर कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसके कई गंभीर रिजल्ट हो सकते हैं। अब जानते हैं कि आखिर शहद खाने का सही तरीका क्या है। वजन कम करना है तो एक ग्लास गुनगुना पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर सेवन करना चाहिए। सर्दी खांसी इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए शहद, हल्दी और काली मिर्च एक एक चम्मच मिलाकर सेवन करना चाहिए, तो इस तरह आपको अच्छे रिजल्ट भी दिखेंगे।